राजनांदगांव में कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा राजनांदगांव लोकसभा सांसद संतोष पांडे का पुतला दहन किया गया है। इस दौरान बताया गया कि केंद्र सरकार की काला कृषि कानून और राजनांदगांव लोकसभा सांसद ने दिल्ली में किसान आंदोलन रत है उसके ऊपर जो टिप्पणी की वह निंदनीय है। जो किसान अन्नदाता है उसे आतंकवादी नक्सली कहकर संबोधित किया गया। उन्होंने कहा कि इस टिप्पणी और काले कानून के विरोध में आज हम द्वारा विरोध जाहिर किया जा रहा है। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने काला कृषि कानून को वापस लेने की मांग भी पुरजोर की। वहीं पुतला दहन के समय पुलिस प्रशासन द्वारा पानी डालकर आग को बुझाने का प्रयास किया गया। इस दौरान पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच खूब छीना झपटी भी हुई। देखा जाए तो कांग्रेसी नेताओं द्वारा एक दिन में दो बार सांसद का पुतला दहन किया गया। कार्यकर्ता रमेश साहू ने कहा कि संतोष पांडे जिनको 18 से 20 लाख मतदाताओं का प्रतिनिधित्व कर सत्ता में भागीदारी मिली है उनके द्वारा किसानों को अपशब्द कहे गए हैं जो किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि किसान किसी राजनीतिक पार्टी के नहीं है। वही कार्यकर्ता महेश दास रात्रे ने रोष जाहिर करते हुए कहा कि देश के प्रधानमंत्री किसानों तथा अन्नदाताओं के लिए ये कानून बनाकर क्या संदेश देना चाहते हैं। जिस सांसद को किसानों ने चुना उन्होंने किसानों के खिलाफ ऐसी अभद्र टिप्पणी दी है। उन्होंने चेताते हुए कहा कि अगले चुनाव में इसका खामियाजा इन्हें जरूर भुगतना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि सरकार को तुरंत प्रभाव से कृषि बिल रद्द करने चाहिए, इससे किसानों का कोई भला नहीं होने वाला है। गंडई से संवाददाता महन जी, एक तो आप राजमहन, उस पे जिला राजनांदगांव कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष, बहुत पुरानी और सक्रिय राजनीति में आप हो और अच्छे और बुरे दोनों दिन देखे हुए हो। ये जो दिन गुजर रहा है मोदी सरकार के किसानों के लिए, इसके बारे में क्या ख्याल है? देश के प्रधानमंत्री ने किसानों के साथ छलावा किया है और किसानों के साथ जो अन्नदाता है, जो देश को चलाने वाले लोग किसान हैं, उनके खिलाफ कानून बना के नरेंद्र मोदी क्या संदेश देना चाहते हैं? क्योंकि एक जवाबदार व्यक्ति जिनको यही राजनांदगांव जिला के किसान सांसद के रूप में देख रहे हैं, बनाए हैं, और वही किसानों के आतंकवादी, तो नाम बताइएगा वो सांसद का जिसका आप, तो पांडे जिसको सांसद को राजनांदगांव के किसानों ने चुन के भेजा दिल्ली में और किसानों के खिलाफ उन्होंने दस्तखत किया। अगला चुनाव वो किसान ही बताएंगे उनको क्या होता है। तो मतलब जो अब्द शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया जी, तो उसके लिए आज आप लोगों ने यहाँ पे सांसद संतोष पांडे का पुतला दहन, बिल्कुल सांसद का पुतला दहन किए, जो किसान विरोधी बात किए और किसानों के हित में जो काम करना चाहिए वो किसान से हट के काम कर रहे हैं, इसलिए उनके। क्या कांग्रेस सरकार आज छत्तीसगढ़ में और भी स्टेट में कई जगह है, क्या कांग्रेस कांग्रेसों के किसानों के हित में काम कर रही है? बिल्कुल कांग्रेस पार्टी किसानों के हित में काम कर रही है, क्योंकि अभी आपने देखा है कि 2 साल हुआ है कांग्रेस के सरकार भूपेश बघेल जी के, उन्होंने जो कहा 2500 रुपया हम किसानों को देंगे, आज हम दे रहे हैं, हमारी सरकार दे रही है। भूपेश बघेल की सरकार किसानों को 2500 रुपया रेट में धान खरीदी कर रही है। नाम और पद बताइए। मैं राजमान महेश दास रात्रे, उपाध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी राजनांदगांव। ब्लॉक अध्यक्ष जी रमेश साहू जी, आज आपके नेतृत्व में कांग्रेसियों ने पुतला दहन किया, तो किस वजह से पुतला दहन किया गया? तो तेज बोलिएगा। आज का पुतला दहन का कार्यक्रम प्रदेश कांग्रेस कमेटी और जिला कांग्रेस कमेटी के निर्देश में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, क्योंकि कांग्रेस की संस्कृति में नहीं है अनर्गल रूप से या किसी को किसी की भावना को ठेस पहुंचाने के लिए हम लोग इस प्रकार के कार्यवाही में सम्मिलित नहीं होते। विवश होकर के सम्मानित सांसद जी जो 18-20 लाख मतदाताओं का प्रतिनिधित्व करके अभी सत्ता में भागीदारी पा रहे हैं, उनके द्वारा दिल्ली में बैठे किसानों को अर्बन नक्सली
खालिस्तानी विदेशी फंडिंग में धरना प्रदर्शन का आयोजन करने वाले इस प्रकार के उनके वक्तव्यों से आहत होकर विवश होकर के आज के इस कार्यक्रम को आयोजन करना पड़ा। तो कांग्रेसी लोग क्या चाहते हैं, जो किसानों के लिए जो बिल पास हुआ है क्या उसको सरकार वापस ले? हमारा ऐसा मानना है किसान किसी पार्टी का नहीं है, और जो हित लोकसभा में विधेयक पारित करके कानून का रूप या उसके जिसमें अमलीजामा पहनाया गया उसमें केवल कांग्रेसियों को ही या कांग्रेस के समर्थित किसानों को तकलीफ हो रही है ऐसा नहीं, इसमें सभी वर्ग के लोग पार्टी का किसान अलग हो सकता है लेकिन मूल रूप से वो किसान हैं, और यदि किसानों का हित नहीं सहेगा, किसानों के हित में यदि विधेयक नहीं आएगी उसके विरोध में हर किसान का आना लाजमी है। सर नाम और पद बता दीजिएगा। रमेश साहू, अध्यक्ष ब्लॉक कांग्रेस कमेटी खंडे। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। Banquets lie hai. Incredible marriage palace, Rajgharana, and the finest banquet hall, Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching, and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.